इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर 24 घंटे की बात करें तो महज 24 घंटे में 3,49,000 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2,760 लोगों की मौत हुई है। पिछले तीन दिन में देश में 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहद डरावने आंकड़े हैं। संक्रमितों की संख्या रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। और देखिए, सक्रिय मामले बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुके हैं। दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। 12 राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्थिति, ना सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली की 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें हालात बिगड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, बेड्स कम पड़ रहे हैं और मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं वो डरा देने वाले हैं और साथ में सावधान करने वाले भी हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से खबर सामने, जहां पर उत्तराखंड के टिहरी में हुआ कोरोना विस्फोट। राज्य के नर्सिंग कॉलेज की 95 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाई गई है। देखिए, नर्सिंग कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सभी पॉजिटिव छात्र छात्राएं कॉलेज में ही आइसोलेट है। यहीं पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये समझिए कि कितना बड़ा विस्फोट ये हुआ है। 95 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। पूरा वाक्य उत्तराखंड के टिहरी का आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ है और राजकीय नर्सिंग कॉलेज की 95 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए हैं। और देखिए, अब कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है कि जो भी ट्रैवल हिस्ट्री अगर रही हो, जो लोग भी इनके संपर्क में आए हो, तो फिर एहतियातन उनका भी टेस्ट कराया जाए। और साथ ही जिस तरीके से यहां पर बड़ी तादाद है, यानी कि 95 छात्र छात्राएं पॉजिटिव यहां पर आए हैं, तो उसके बाद एहतियातन यहां पर कितने समय के लिए सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा, यह भी अब देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी से, जहां पर कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 95 छात्र छात्राएं पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में बढ़ सकता है एक हफ्ते का लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर आज फैसला संभव है। दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में कल सुबह लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। दिल्ली सरकार और LG मिलकर ये फैसला लेंगे, क्योंकि कल जो लॉकडाउन एक हफ्ते का लगाया गया था वो खत्म होने को है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ किया जाना है, यानी कि सख्ती कैसे यहां पर बरती जाए, क्योंकि जो मामले हैं, जो कवायद के मामलों को कम करने की, वो यहां से होती हुई नहीं नजर आ रही है। अब अगर लॉकडाउन को खोल दिया गया तो स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो कि पहले से ही बेकाबू है। तो फिर ऐसे में क्या कुछ किया जाना है, इसको लेकर आज मंथन होगा और फैसला भी हो सकता है। देखिए, आज काफी अहम दिन है, क्योंकि दिल्ली वालों की नजर इस पर रहेगी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या फिर इसे खत्म कर दिया जाता है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कहर लगातार कोरोना वायरस बरपा रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 24,000 से अधिक केस सामने आए। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 357 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में संक्रमित पाए जाने की दर की अगर बात की जाए तो ये दर 32.27% है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल, यानी कि मरीजों का बुरा हाल है। जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, और साथ ही जब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और सुमित, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, एक तरफ लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, स्थिति भयावह है, दूसरी तरफ लॉकडाउन पर भी सबकी नजरें हैं कि क्या ये लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, क्या लगता है? जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। और देखिए, जिस तरह से लगातार दिल्ली में जो केसेस आ रहे हैं रोजाना, उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो लॉकडाउन जो है अगले एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि लगातार मामले जो है 24,000 से लेकर 28,000 के बीच में रह रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में सबसे अहम बात यह है कि लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। रोजाना 300 से 350 लोगों की जान जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन जो लगा था पिछले 6 दिन के लिए वो फिलहाल कारगर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सख्ती से यहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आज जो रिव्यू मीटिंग होनी है LG के साथ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें कई कड़े फैसले एक बार फिर से लिए जा सकते हैं। और देखिए, पिछले 6 दिन का रिव्यू जो है वो आज किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि एक दिन का जो आगे एक हफ्ते का और लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया जाए या नहीं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरह से लगातार केसेस आ रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसके मुताबिक अगले एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो लगातार दिल्ली की जो हालात है वो चिंताजनक बनी हुई है इस वक्त। बिल्कुल सुमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के चलते कर्फ्यू, ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 34 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में अब कर्फ्यू रहेगा और 34 घंटे का ये कर्फ्यू है जम्मू कश्मीर में, जिसमें रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लॉकडाउन यहां पर लगा हुआ है, यानी कि आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग भी यहां पर नहीं नजर आपको आएंगे, क्योंकि यहां पर कवायद इस बात की है कि जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसे ब्रेक किया जा सके। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि जब लॉकडाउन लगा है यानी कि कर्फ्यू लगा है तो उसके बाद कैसा यहां पर नजारा है, कैसी तस्वीर यहां से सामने आ रही है। देखिए क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि अब सतर्क लोग हो रहे हैं इसीलिए सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन है उसका पालन यहां पर किया जा रहा है और ये इस वक्त बेहद जरूरी है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है किस तरीके से लोग इस बात को समझते हुए। और चलिए देखिए जम्मू कश्मीर में कोरोना के चलते कर्फ्यू है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ है। श्रीनगर से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान ने आपको सबसे पहले दिखाई कि कैसे 34 घंटे का जो कर्फ्यू है वो यहां पर ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद ये लोगों से कहा गया है, देखिए धरातल पर प्रशासन भी है क्योंकि कोशिश इस बात की है कि जो लोग घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो उन्हें इस बारे में समझाया जाए कि ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, जरूरत जब तक ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकले। और ये देखिए बैरिकेडिंग किस तरीके से लगाई गई है, श्रीनगर की तस्वीरें हैं जो जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। कंट्रोल करना है कोरोना को, कोरोना की चेन को ब्रेक करना है और इसको लेकर यहां पर मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। और लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे, तो देखिए मेरठ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर हमला किया गया है। मेरठ के गुदड़ी बाजार चौक में पुलिस पर हमला किया गया है। तो संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भीड़ हटाने ये पुलिस गई थी, लॉकडाउन मानने की जगह पुलिस पर ही लोग यहां पर भड़कते हुए नजर आए, भीड़ ने पुलिस को मौके से खदेड़ कर भगा दिया। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि जहां पर मेरठ में ऐसी तस्वीर सामने आई है, लॉकडाउन का पालन कराने जब पुलिस यहां पर जाती है तो पुलिस पर ही हमला हो जाता है। पुलिस के वो जवान जो लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए सड़कों पर है और उन्हीं पर किस तरीके से अब ये मारपीट उनके साथ की जाती है, हमला किया जाता है, ये तस्वीरों में आप देखिए। देखिए बहुत ही गंभीर सवाल ये तस्वीर खड़े करती है कि आखिर अभी भी लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, अगर पुलिस जा रही है नियमों का पालन करवाने के लिए तो वहां पर क्यों उन पर हमला किया जा रहा है। मेरठ की तस्वीर है, ऐसा नहीं कि पहली बार मेरठ से इस तरीके की तस्वीर सामने आई है, पहले भी हमने उन तस्वीरों को देखा है जब डॉक्टर्स जाते थे कोरोना पॉजिटिव को लेने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए, तो भी उस वक्त डॉक्टर्स पर हमला किया जाता था। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर जो पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है, ये गंभीर सवाल खड़े करती है। नियमों का पालन जो परिजन साथ में पहुंच रहे हैं, जो मरीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है वो बहुत ज्यादा परेशानी यहां पर उठाने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का संकट लगातार बरकरार है। केंद्र की ओर से तमाम कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे अस्पताल जिनकी हालत बहुत खराब है। और देखिए यहाँ पर लगातार ये किल्लत बनी हुई है, जी हिंदुस्तान हर वो खबर दिखा रहा है, बता रहा है कहाँ पर क्या तस्वीर है, कहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और जी हिंदुस्तान की खबरों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन भी अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है। तो कोरोना के संकट काल में जी हिंदुस्तान ने एक मुहिम शुरू की है कि कोई भी भूखा ना सोए। हमारे पास और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस मुसीबत के दौर में देश के उस कमजोर शख्स के साथ खड़े हैं जिनके लिए संकट में अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। आप अगर बतौर व्यक्ति या फिर संगठन इस महामारी के दौरान लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, सहायता की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें 9711823926 यानी कि 9711823926 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी सेवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नेटवर्क आपके इस प्रयास को सार्थक अंजाम तक पहुंचाने में मददगार बनेगा।